बीजेपी आलाकमान ने शुक्रवार को दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। अचानक बुलाई गई इस बैठक को लेकर पार्टी नेता भी चुप हैं। हालांकि इस बैठक को विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पूरी जनता इस समय कांग्रेस के शासन से बहुत परेशान है। इस कुर्सी के झगड़े में एक कुर्सी चिपकना चाहता, एक कुर्सी हड़पना चाहता है। उस चक्कर में जो डेवलपमेंट के काम है, वो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। अलग अलग दो बार साल में कैंप लग गए हैं, अलग अलग मीटिंगें होने लग गई है। इसलिए जनता इस कुशासन से पूरी त्रस्त है और जनता चाहती है कितना जल्दी चुनाव आवे और जल्दी जल्दी हम इस सरकार को बदलें। ये सब जनता की भावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर भी इस बैठक को बुलाने पर अचंभित नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक बुलाई है तो कोई न कोई राज्य का विषय है, क्योंकि परसों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ देर रात तक हम थे, तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी। बैठक की वजह से मुझे भी कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने पर माथुर ने कहा कि विषय गंभीर है, दो बार सीएम रही हैं, साथ लेकर जाना चाहिए था, जो भी जवाब है उनसे ले। लेकिन मैं चूक नहीं मानता, ये फैसला करने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के पास था। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, वही इसका जवाब दे सकते हैं। माथुर ने गहलोत सरकार पर भी जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस शासन से परेशान है, कुर्सी के झगड़े में विकास कार्य रुके हुए हैं, जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है, जल्दी चुनाव आए, सरकार बदले, ये प्रदेश के लोगों की भावना है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने पुल को भारत जोड़ो नाम दिया है, अगर इसे कांग्रेस जोड़ो नाम देते तो अच्छा रहता। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में क्या अहम फैसला होता है, जिससे राजस्थान बीजेपी की तस्वीर और साफ होगी। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।